सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भीष्म पितामह ने द्रौपदी को नहीं बचाया था चीरहरण से। तो आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बेहद पराक्रमी काल था, जिसमें बहुत से साहसी और वीर योद्धा मारे गए थे। इनमें से एक नाम था भीष्म पितामह का। इन्हें वरदान था कि ये जब तक खुद ना चाहें, इन्हें कोई मार नहीं सकता। जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई, तो उस समय भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया था। सबसे अजीब बात यह हुई थी कि जब पांडव कौरवों से भरी सभा में द्रौपदी को हार गए थे और दुर्योधन सभी पराक्रमी योद्धाओं के सामने द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस वक्त अगर भीष्म पितामह चाहते तो वो इस अनहोनी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण द्रौपदी को भीष्म पितामह पर बहुत क्रोध आया। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण से छल्ली कर दिया और वो मृत्युशैया पर लेटे थे, उस वक्त एक एक करके सभी पांडव उनसे मिलने पहुंचे थे। उनसे मिलने वालों में द्रौपदी भी शामिल थी। उस वक्त द्रौपदी ने भीष्म पितामह से बड़े ही उदास होकर यह प्रश्न किया था कि आप तो इतने बड़े योद्धा और साहसी व्यक्ति थे, फिर आपने भरी सभा में मुझे सबके सामने अपमानित होने से क्यों नहीं बचाया। इसके जवाब में भीष्म पितामह ने कहा कि चूंकि मैंने कौरवों का नमक खाया था और मुझे नमक का हक चुकाना था, इसलिए उस वक्त मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाया और मेरी बुद्धि भी उनके जैसी ही हो गई थी। मैं उस वक्त सिर्फ खेल के नियम देख रहा था और मेरे पास उनके विरुद्ध कुछ भी कहने के लिए कठोर तथ्य नहीं था। उन्होंने द्रौपदी से आगे यह भी कहा कि मनुष्य जिसका अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, और मेरे साथ भी उस वक्त वैसा ही हुआ। भीष्म पितामह के इस जवाब को सुनकर द्रौपदी ने उन्हें उत्तर दिया था कि अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना मनुष्य का सबसे पहला धर्म और कर्तव्य होता है। यह बात सुनकर भीष्म पितामह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने द्रौपदी से सबके सामने उस बात के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।